इस टूल को यूज करके आप अपनी कीवर्ड्स को इजीली गूगल में रैंक कर सकते हो। ये टूल क्या रहेगा और ये टूल कैसे वर्क करेगा वो भी मैं आपको बताता हूँ। और यहाँ पे अगर मैं रैंकिंग की बात करूँ, मेरा एक कीवर्ड है जो कि टॉप 5 में गूगल में रैंक कर रहा है, और किस तरह से इस टूल को यूज करोगे और आप भी अपने कीवर्ड्स को गूगल में रैंक कर सकते हो, सारी चीजें डिटेल्स में बात करूंगा। वीडियो को पूरा देखना, अगर वीडियो स्किप करोगे तो गाइस आपको पता नहीं चलेगा। तो गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप चैनल पे पहले बार आए हो या पहले बार मेरी वीडियोस देख रहे हो तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि गाइस इस चैनल के ऊपर आपको प्रॉपर एसईओ रिलेटेड वीडियोस आपको मिलती रहेगी, जो कि आपके लिए काफ़ी बेनिफिट होगा। इसके अलावा आपको पता ही होगा हमारे चैनल पे जो है 10 डेज रैंकिंग चैलेंज चल रहा है, और आज है day 6। आज मैं आपको बताऊँगा कि आप गूगल में रैंक करने के लिए आप अपने कंटेंट को किस तरह से ऑप्टिमाइज कर सकते हो, वो भी बिल्कुल फ्री में। और मैं आपको एक टूल रिकमेंड करूँगा, और इस टूल को यूज़ करके आप अपनी वेबसाइट की ट्रैफिक भी इंक्रीज कर सकते हो, रैंकिंग भी इंक्रीज कर सकते हो। बेसिकली ये टूल कैसे वर्क होगा और किस तरह से हम अपने कंटेंट को ऑप्टिमाइज करोगे, सारी चीज़ें डिटेल्स में बात करूंगा। आपको वीडियो लास्ट तक जरूर देखना है। और अभी तक अगर आपने व्हाट्सएप चैनल अगर अभी तक आपने फॉलो नहीं करा तो गाइस व्हाट्सएप चैनल फॉलो जरूर कर लेना। तो गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जिस टूल की मैं बात कर रहा हूँ ये है टूल जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, और इस टूल के मदद से जो है आप अपने कंटेंट को ऑप्टिमाइज कर सकते हो। और कंटेंट जैसे आप ऑप्टिमाइज करोगे आपकी रैंकिंग भी इंप्रूव होना स्टार्ट हो जाएगा। ये टूल मैंने यूज़ करा है तभी मैं ये टूल मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, और ये टूल बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप यूज़ कर सकते हो। अब यूज़ कैसे करना है, आपको सिंपली गेट स्टार्ट पर फ्री पे आपको क्लिक करना है, और क्लिक करके आप अपना जो है साइनअप कर लेना जिस तरह से आप साइनअप कर सकते हो। और जैसे मान लो आपका नेम हो गया या ईमेल आईडी पासवर्ड, ये सारी डिटेल्स आप अपडेट कर देना। और अपडेट करने के बाद यहाँ पे मेरा जो अकाउंट है मैंने ऑलरेडी साइन अप कर चुका हूँ, तो साइन अप करने के बाद आपको सिंपली न्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है। और उसके बाद आपका 3 ऑप्शंस होंगे, जो पहला ऑप्शन है जो कि SEO वर्क फ्लो, उस पर आपको टिक करना है। टिक करने के बाद आपको सिंपली कंटिन्यू पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपकी ये टूल करेगा क्या, ये टूल आपका जो कंटेंट होगा ना इस कंटेंट को ऑप्टिमाइज करेगा और आपको बताएगा कि आपके कंटेंट में क्या क्या चीज़ें मिसिंग है, कौन कौन से कीवर्ड मिसिंग है। अब इस टूल को यूज़ करने के लिए आपको सिंपली आपका जो कीवर्ड है, सबसे पहले यहाँ पे आप अपना कीवर्ड को टाइप करो, उसके बाद आप अपना कंट्री सेलेक्ट करो, मीन्स जिस कंट्री पे आप रैंक कराना चाहते हो। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट हो गया और लैंग्वेज मेरा इंग्लिश आएगा। उसके बाद नीचे एक ऑप्शन दिख रहा होगा इंपोर्ट कंटेंट फ्रॉम URL, इस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना, और जो भी आपका URL होगा URL को यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर देना। इससे क्या होगा कि आपके URL को कंपेयर करेगा, मीन्स आपके जो पोस्ट में जो भी कंटेंट है उसको कंपेयर करेगा बाकी जितने भी गूगल में रैंक कर रहे हैं, जो कि टॉप 20 नंबर पे जो गूगल में रैंक कर रहे हैं उन सबसे वो कंपेयर करेगा, और कंपेयर करके आपको जो है सारा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देख पा रहे होंगे आपका कंटेंट यहाँ पे आ चुका है, और यहाँ पे आप देख सकते हो आपको साथ में जो राइट हैंड साइड में आपको जो है स्टार्ट का एक ऑप्शन दिख रहा होगा, स्टार्ट पे आपको क्लिक करना है। स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे जो है मैजिक देखो गाइस, ये चीज़ जो है ना बहुत बहुत जो है ना सबसे बड़ा टूल है अब अपने कंटेंट को ऑप्टिमाइज करने के लिए। और यहाँ पे देख सकते हो जितने भी आपके जितने भी गूगल में रैंक कर रहे होंगे ना वो सारे वेबसाइट यहाँ पे आ जाएंगे, और यहाँ पे कहीं ना कहीं मेरी वेबसाइट भी आ रहा है, क्योंकि मेरी वेबसाइट भी जो है 14-15 नंबर पे गूगल पे रैंक कर रहा है, 13 या 14 नंबर पे। ठीक है, अब यहाँ पे जो है आपको जो है जो जो चीज़ें मैं बताऊंगा ना ये चीज़ आपको समझने की ज़रूरी है। यहाँ पे आपको ग्राफ का ऑप्शन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करते ही आपको काउंट पता चल जाएगा कि आपके कॉम्पिटिटर कितने कितने वर्ड्स के कंटेंट यूज़ कर रहे हैं, और यहाँ पर आपको एक चीज़ क्लियर हो जाएगा जो कि फर्स्ट पेज पर रैंक कर रहा है और मेरा जो कंटेंट है आप देख सकते हो कितना ज़्यादा कंटेंट का ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। कहने का मतलब ये है कि एक चीज़ तो क्लियर है कि आपको कंटेंट क्वांटिटी पे नहीं लिखना, आपको क्वालिटी पे लिखना है। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ सबसे इम्पॉर्टेंट बात, वो है ऑप्टिमाइज। यहाँ पे अगर आप ऑप्टिमाइज पे क्लिक करोगे यहाँ पे आप देख सकते हो PDF सबमिशन साइट जो कीवर्ड है मैंने 18 times यूज़ करा है, लेकिन मेरे कॉम्पिटिटर्स ने 5 times यूज़ करा है। और यहाँ पर एक कीवर्ड है जो कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, और ये कीवर्ड मैंने एक बार भी यूज़ नहीं करा, लेकिन कम से कम इसी कीवर्ड को जो है मेरे जितने भी कॉम्पिटिटर्स हैं उन्होंने यूज़ करा है। यहाँ पे जो है मैं प्रैक्टिकली भी दिखा देता हूँ और मैंने यूज़ करा या नहीं करा वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मेरे जो पेज है ना मैं अपना पेज को ओपन करता हूँ, और ओपन करके पहले मैं यहाँ पर
कंट्रोल एफ करके सर्च करता हूँ कि जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइज जो कीवर्ड है वो मैंने यूज़ करा या नहीं करा। यहाँ पे देख सकते हो वेबसाइट मेरा ओपन हो चुका है और यहाँ पे जो है मैं कंट्रोल एफ करके सर्च इंजन ऑप्टिमाइज सर्च करूँगा और यहाँ पे देख सकते हो मैंने इस कीवर्ड को एक बार भी यूज़ नहीं करा। इसका मतलब ये टूल जो बता रहा है बिल्कुल सही बता रहा है। आप इन कीवर्ड्स को आप यूज़ कर सकते हो अपने कंटेंट को ऑप्टिमाइज करके, और जिस तरह से आप अपने कंटेंट को ऑप्टिमाइज करोगे उससे क्या होगा आपका रैंकिंग इंप्रूव होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो एक कीवर्ड रिलेवेंट कीवर्ड्स करके एक कीवर्ड है और मैंने एक बार यूज़ करा हुआ है, लेकिन ये टूल रिकमेंड कर रहा है तो कम से कम आप दो बार यूज़ करो। और जहाँ पे भी मैंने कीवर्ड ज़्यादा यूज़ करा हुआ है जैसे PDF सबमिशन मैंने 18 टाइम्स यूज़ करा हुआ है, इसको मैं रिड्यूस कर सकता हूँ। इस तरह से आप अपना कंटेंट को ऑप्टिमाइज कर सकते हो। और ये टूल मैंने ये टूल मैंने यूज़ करा हुआ है और कंटेंट को मैंने ऑप्टिमाइज करा है, तभी मैं आपको ये चीज़ रिकमेंड कर रहा हूँ। और क्योंकि गाइस आपको पता ही है जब से ये गूगल अपडेट्स आते हैं तो गूगल मेनली फोकस करता है कंटेंट के ऊपर, और जितना ज़्यादा आपका कंटेंट ऑप्टिमाइज रहेगा उतना ही ज़्यादा आपके चांसेस बढ़ेगा रैंकिंग करने के लिए। और एक चीज़ और क्लियर कर दूँ, जब आप ऑप्टिमाइज करोगे क्या पता आपकी जो रैंकिंग है वो थोड़ा सा ड्रॉप भी होगा, लेकिन कुछ दिनों में बिल्कुल सेट हो जाएगा। क्योंकि मैंने जब करा था मेरा भी रैंकिंग ड्रॉप हुआ था, लेकिन बाकी बाद में जो है मेरी रैंकिंग फिर से अप हो चुका है। जो कीवर्ड मेरा 17 नंबर पे रैंक कर रहा है वही कीवर्ड अब मेरा 11th नंबर पे रैंक करना स्टार्ट हो चुका है। और इस टूल के मदद से जो है मैंने अपना हेडिंग्स हो गया और मैंने अपना कंटेंट्स हो गया सारी चीज़ें मैंने ऑप्टिमाइज करा हुआ है। आप इस टूल को जो है यूज़ कर सकते हो और ये कुछ टाइम तक फ्री है। बाकी जो है आप अलग अलग ईमेल आईडी से आप साइन अप कर सकते हो, अलग अलग अकाउंट से आप कर सकते हो। तो कहने का मतलब यह है कि आप अपने कंटेंट को ऑप्टिमाइज करो ताकि आपके पास अच्छा रिजल्ट मिले और आपकी रैंकिंग इंप्रूव हो, क्योंकि जब तक आप कंटेंट को ऑप्टिमाइज नहीं करोगे तब तक आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो गाइस आज की वीडियो बस इतना ही था। होपफुली गाइस ये वीडियो देखने के बाद आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा।